गमेटोफिटिक बॉडी से हमको क्या मिले, गमेट मिले, गमेट में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट मिला, सेम सिचुएशन। तो आपने यहां पर देखा होगा ओनली वन स्टेज, ओनली पूरे लाइफ साइकिल की ओनली वन स्टेज आपको यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज दिख रही है, 2n, बाकी के सब हैप्लॉइड दिख रहे हैं। यहाँ पर हैप्लॉइड है, यहाँ पर भी हैप्लॉइड है, गमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है ना, यहाँ पर सभी में हैप्लॉइड है ना, सभी में हैप्लॉइड है। ओनली वन स्टेज जहां पर आपको कौन सी दिख रही है, जायगोट फॉर्मेशन दिख रहा है। तो जायगोट फॉर्मेशन नथिंग बट हमारा कौन सा बॉडी होता है, तो वो कौन सा बॉडी होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी होता है। कौन सा बॉडी होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी होता है। तो यहाँ पर सभी इसमें, यहाँ तक आपने देखा होगा सभी इसमें, यहाँ पूरा हैप्लॉइड हैप्लॉइड नजर आता है, इसलिए तो इस लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड स्टेज क्या है, डोमिनेंट स्टेज है, इसलिए उसको बोलते हैं हैप्लॉइड लाइफ साइकिल या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो समझ में आया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलती है, तो इन अलगी में, किसमें देखने को मिलती है, अलगी में। समझाए वाला हैप्लॉन्टिक, यस गर्ल्स बॉयज, अब चलते हैं डिप्लॉन्टिक की तरफ, अब चलते हैं डिप्लॉन्टिक की तरफ। तो देखो डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है ना, किसमें पाई जाती है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। तो देखो एक जो होती है ना ये डिप्लॉन्टिक, एंड यहाँ पर आपको एक एक और साइकिल दिख रही है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, क्या है, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी डोमिनेंट होती है वो गमेटोफिटिक बॉडी होती है। क्या होती है, गमेटोफिटिक बॉडी क्या होती है, डोमिनेंट होती है, सॉरी स्पोरोफिटिक की बॉडी डोमिनेंट होती है यहाँ पर। गमेटोफिटिक बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है, क्या होती है, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी स्पोरोफिटिक बॉडी ही क्या होती है, डोमिनेंट होती है, ये स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर गमेटोफिटिक बॉडी क्या होती है, डोमिनेंट होती है, यानी कि डिपेंड होती है, क्या होती है, डिपेंड होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो होता है, इसमें अगर ब्रायोफाइटा की बात की जाए, देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की, तो ब्रायोफाइटा की अगर बात की जाए तो दोनों भी स्टेजेस, हैप्लोइड स्टेज एंड गमेटोफिटिक स्टेज, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। लेकिन वही टेरिडोफाइटा की अगर बात की जाए तो दोनों भी स्टेज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डेवलप नहीं होती, या क्या बोल सकते हैं, डिपेंड नहीं होती है। किसमें, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में डिपेंड होती है एक दूसरे के ऊपर, टेरिडोफाइटा में डिपेंड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और यहाँ पर स्पोरोफाइट के ऊपर कौन सी बॉडी डिपेंड होती है, तो गमेटोफिटिक बॉडी डिपेंड होती है। ये तीनों के बीच में फर्क समझ में आ गया, क्या बोला, तो फर्क समझ में आ गया क्या, कि एक बार और बोलू, एक बार और देखो, ये आपको समझ में आ गया, ये वाला फंडा इजी था, ये वाला फंडा इजी था। मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो कौन सी इसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी क्या होती है, डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट होती है, और इस स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर कौन सी बॉडी प्रेजेंट, या क्या बोलते हैं, उसको डिपेंड रहती है, तो गमेटोफिटिक बॉडी क्या होती है, डिपेंड रहती है। स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट, उसके ऊपर कौन सी बॉडी डिपेंड है, तो गमेटोफिटिक बॉडी डिपेंड। इतना समझ में आ गया इसके बारे में, समझे क्या? अब हम इसकी ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा की बात करें। तो पहले मैं बात कर रहा हूं टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में भी सेम जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में जैसे देखा जाए कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हाँ दोनों भी इसमें ब्रायोफाइटा में भी दोनों भी स्टेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर क्या देखा, स्पोरोफिटिक स्टेज के ऊपर गमेटोफिटिक स्टेज डिपेंड रहती है, लेकिन यहाँ पर दोनों भी स्टेज एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंड रहती है, एक दूसरे के ऊपर। स्पोरोफिटिक बॉडी डिपेंड्स ऑन गमेटोफिटिक बॉडी, और गमेटोफिटिक बॉडी डिपेंड्स ऑन स्पोरोफिटिक बॉडी, एक ए वाला फंडा हो गया। लेकिन टेरिडोफाइटा में सेम साइकिल देखने को मिलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक साइकिल देखने को मिलती है, लेकिन इसमें दोनों भी स्टेजेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। ये तो सबसे पहला, ये तो क्राइटेरिया है इसका, ये तो क्राइटेरिया है। तो चलो हम देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो डोमिनेंट बॉडी क्या होंगी, हमारी स्पोरोफिटिक बॉडी होंगी, जो कि क्या होंगी, 2n होंगी।
तो टू एन ए स्पोरोफिटिक बॉडी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पोर का प्रोडक्शन करने का करना पड़ेगा, तो उसको क्या करेगी, मियोसिस करेगी, क्या करेगी, मियोसिस करेगी, तो यहाँ पर स्पोर बनेंगे, स्पोर फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफिटिक बॉडी बनाएंगे, स्पोर भी है तो कैसे हैप्लोइड, क्या है, हैप्लोइड है, गैमेटोफिटिक बॉडी भी कैसे हैप्लोइड। अब गैमेटोफिटिक बॉडी में माइटोसिस हो जाएगा, तो माइटोसिस से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, गैमेट ऑलवेज जो मेल गैमेट एंड फीमेल बनेंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लोइड, क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे। जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कुछ स्टेज, यहाँ पर ओनली वन स्टेज दिख रही थी, यहाँ पर टू स्टेज दिख रही जायगोट की, जायगोट के बाद, जायगोट के बाद, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेजेस दिख रहे, कौन से स्टेज दिख रही है, तो गैमेटोफिटिक 1 2 3, यहाँ पर टू ही स्टेज है, यहाँ पर 1 2 3 स्टेज दिख रही है, इसीलिए इस साइकिल में कौन सी फेज डोमिनेंट है, तो डिप्लोन्टिक फेज डोमिनेंट है, सॉरी यहाँ पर देखो कौन सी, ओनली वन यहाँ पर हैप्लोइड 3 कितने स्टेज दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया इसको, ऐसे ऐसे कर, यहाँ पर कितने स्टेजेस दिख रहे हैं आपको, 2 स्टेजेस, कौन से स्टेजेस, 2 स्टेजेस, यानी कि डिप्लोन्टिक साइकिल में देखो कौन से स्टेज दिखते हैं, जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद इसमें डेवलप होकर एम्ब्रियो भी बनता है, क्या बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है, तो एम्ब्रियो भी क्या होगा, 2N स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 2, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म में फिर क्या देखने को मिला, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में क्या देखने को मिलेगा, हमको सीड का प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सीड का प्रोडक्शन, जिसमें कोटिलेडंस भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जो सिचुएशन है कि 3 स्टेज डोमिनेंट दिख रही है यहाँ पर, इसलिए कौन सी स्टेज, डिप्लोन्टिक स्टेज, कौन सी लाइफ साइकिल है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। तो समझ में आया, ओनली यहाँ पर स्पोरोफिटिक स्टेज, डोमिनेंट स्टेज एक ही दिख रही थी यहाँ पर, जो कि क्या था, जायगोट का प्रोडक्शन था, इसलिए इसको हैप्लोइड बोला, बाकी सभी स्टेज में हैप्लोइड स्ट्रक्चर दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको कितने बार, 3 से 4 बार हमको क्या दिखेंगे, स्टेजेस दिखेंगे, कौन सी, डिप्लोइड की, इसलिए साइकिल कौन सी होगी, डिप्लोन्टिक होगी, समझे, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, समझे क्या, क्योंकि क्यों डिप्लोन्टिक है, क्योंकि स्पोरोफिटिक बॉडी क्या कौन सी है, डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ, क्या बोलते हैं, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। या ऋतुजा समझ में आ गया, राधिका, ऋतुजा, भूमिका, यस सर, हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोल, बोलते जाओ, बोलते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, वैसे है ना, वैसे ही, हाँ। तो देखो यहाँ पर डोमिनेंट स्टेज हमको 3 से 4 बार हमको डिप्लोन्टिक स्टेज देखने को मिलेगी, जब हमारा फाइनलाइज हमारा स्पोरोफाइट बॉडी और बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। वही अगर हैप्लो डिप्लोन्टिक की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर मैंने कुछ 90% लिखा है, कुछ यहाँ पर 90% लिखा है, जो यहाँ पर जो स्टेज होती है ना डिप्लोन्टिक की स्टेज जो होती है, कितने परसेंट होती है पता है आपको, 80 से 90% होती है हैप्लोइड से, यानी कि सिर्फ हैप्लोइड जो होता है 20 से 10% क्या रह जाता है, हैप्लोइडिक रह जाता है, बाकी की जो पूरी स्टेज होती है ना डिप्लोन्टिक हो जाती है। इसीलिए डोमिनेंट बॉडी परसेंट में अगर बात की जाए तो कौन सी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, इसीलिए स्पोरोफिट नथिंग बट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं स्ट्रक्चर, तो कैसे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें देखो पेरिडोफाइटा में मैंने बोला कि ब्रायोफाइटा की अगर बात की जाए, सबसे पहले दोनों एग्जाम्पल दिए है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, दोनों भी बॉडी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, टेरिडोफाइटा में दोनों भी बॉडी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, इंडिपेंडेंट। तो चलो इसमें जो सिचुएशन देखने को मिलेंगी ना, हाफ सिचुएशन, कितनी जितनी स्टेज किसके स्पोर के बनेंगे, उतनी स्टेज किसके बनेंगे, गैमेट के बनेंगे, उतने स्टेज किसके बनेंगे, गैमेट के बनेंगे। यानी कि कैसा क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, 50-50 क्राइटेरिया मिलेगा। देखो इसमें भी क्या होती है, डोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिट में मियोसिस होगा, स्पोर का प्रोडक्शन होगा, क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, जो कि क्या हो गया, यन 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 सब यन। अब क्या बनेगा, जायगोट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट मिलेगा। तो देखो जायगोट यहाँ पर अगर टेरिडोफाइटा क्या ब्रायोफाइटा की अगर बात की जाए, तो इसमें भी क्या नहीं होता, इसका प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, एम्ब्रियो का प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, एम्ब्रियो हमको कहाँ से मिलेगा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के कारण यहाँ पर कुछ स्टेजेस डिप्लोइड स्टेज दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्टेजेस क्या दिखाई दे रहे हैं, हैप्लोइड स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसका जो परसेंट की वाइज अगर क्राइटेरिया अगर बोला जाए, तो
50-50% दोनों भी स्टेजेस दिखाई दे। कौन सी स्टेजेस? 50-50 यानी कि स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज दोनों भी स्टेजेस 50-50% दिखाई दे। इसलिए उस लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर टेरिडोफाइटा की अगर बात की जाए तो इसकी स्पोर जो ये स्पोरोफाइट होते हैं ना वो मेन बॉडी होती है और ये गैमेटोफाइट जो होती है ना वो डिपेंड होती है यानी कि इंडिपेंडेंट होती है। ये भी कैसे होते हैं? ग्रीनिन जिसको हमने प्रोथैलस भी बोला था जब हम पढ़े थे, प्रोथैलस भी बोला था। तो एक दूसरे के ऊपर खुद का मेकिंग फूड, खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ऐसे हमारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो तीनों भी लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गए? यस क्लियर कर दो, इसको क्लियर कर दो। मजा है ना ग्रीन वाला, मजा है ना पढ़ने के लिए, बहुत मजा आती है इसमें। क्योंकि अगर कलर कलर के चॉक्स हो या बहुत ऐसे वेरियस डायग्राम्स भी अगर निकाल लेते हैं तो बहुत मजा आता है। तो चलो हमारे यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हम फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, कौन सा नाम है बताए आपको? No, sir. तो आपके पास अभी तक टेक्स्ट बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है? नहीं। कुछ भी नहीं लिए? नहीं। ना फिर क्या लिया? ना चलो हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है एनिमल की। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अभी तक हमने किसके बारे में स्टडी किया है? पूरा प्लांट के बारे में स्टडी किया है। क्या किया है? प्लांट के बारे में स्टडी किया है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? किसके बारे में करेंगे? एनिमल्स। आप कौन हो फिर? आप कौन? एनिमल। कौन से वाले? ह्यूमन। सेपिंग। कौन से वाले एनिमल बोलने वाले? दिमाग वाले। कौन से वाले? दिमाग वाले। दिमाग वाले। श्योर। तो देखो हमको फोर चैप्टर स्टार्ट करना है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जैसे हमने प्लांट किंगडम देखा था, उसके क्लासिफिकेशंस देखे थे, बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस। तो एक बहुत मस्त चैप्टर है, आपको पढ़ने के लिए भी बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं भी वैसे भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा इंटरेस्टिंग से, तो आपको भी इसको इंटरेस्टिंग से ही पढ़ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप ट्राई करो उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जो मेंटली होंगे, वो मैथमेटिक्स वाले एग्जाम्पल नहीं है। चलो मान लो आप एक स्कूल में हो। हाँ स्कूल में हो ना? नहीं कॉलेज में। अब भी गए हैं कॉलेज में। मान लो टेंथ में हो आप। क्या हो? टेंथ में हो, अभी इलेवेंथ में जाओगे। अभी तक आपने कॉलेज नहीं देखा है अपना, ना कि आपके स्टूडेंट्स देखे, ना आपके फ्रेंड्स देखे, ना आपके टीचर्स देखे। सिर्फ आपने रूपेश सर को देखा है, केमिस्ट्री वाले सर को देखा है, फिजिक्स वाले सर को देखा है और मैथ वाले सर को देखा है। सिर्फ इतने सर को देखा है। चलो मैं बात कर रहा हूँ किसकी। हाँ मैंने क्या कर दिया, अगर मैं आपका टीचर हूँ, तो मैंने आपको क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट दे दिया। क्या दे दिया? प्रोजेक्ट दे दिया, कोई भी चीज का हो। अगर बायो से रिलेटेड है तो मैंने आपको एनिमल की स्टडी के लिए प्रोजेक्ट दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं प्रोजेक्ट को कैसे आपको दूंगा, एक तो मैं पर्टिकुलर वन कैंडिडेट को दूंगा, या मैं क्या दूंगा, ग्रुप में दूंगा, या दो कैंडिडेट में भी दे सकता हूं मैं प्रोजेक्ट। या मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुप बनाऊंगा ना। अगर मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, जैसे आप अभी हो, इतने बच्चे 10 बच्चे, तो मैं यहाँ पर ग्रुप का भी फॉर्मेशन कर दूंगा, यानी कि 5-5 बच्चों का ऐसे भी कर दूंगा ना मैं, है कि नहीं? है कि नहीं रे? Yes, sir. मुझे क्या देना था, प्रोजेक्ट देना था। समझने की कोशिश करो, मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरी वाले फीलिंग्स का, अपनी फीलिंग्स को समझो, मेरे फीलिंग्स को समझो, मेरे वर्ड को समझो।
मुझे क्या देना था, प्रोजेक्ट देना था, मैंने प्रोजेक्ट दे दिया था। एक तो मैं कैसे दूंगा पर्टिकुलर वन इंसान को या वन स्टूडेंट को मैं प्रोजेक्ट दूंगा, या मैं ग्रुप ग्रुप में दूंगा जिसके टू टू ग्रुप होंगे, क्योंकि मेरे पास कितने बच्चे, 10 ही बच्चे, इसमें से मैंने अगर टू टू दे दिया तो किसने मेरे पास होंगे 5 बच्चों की लिस्ट आ जाएंगी, 5 ग्रुप बन जाएंगे ऐसे टू टू वाले, 5 बन जाएंगे 1 2 3 4 5। हाँ, और मैं अगर 5 बच्चों का अगर ग्रुप बना देता हूँ तो ऐसे मेरे पास 2 ग्रुप हो जाएंगे, दो ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, बन जाएंगे। अगर मैंने मान लिया एक क्लास के बारे में, तो ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है कुछ, एक सिंगल भी हो सकता है, टू टू के बच्चों में भी हो सकता है या ग्रुप में भी हो सकता है। वही अगर मैं, अगर मेरे स्कूल का नाम संता है, संता स्कूल है मेरा नाम, मेरा नाम नहीं मेरे स्कूल का नाम, मेरे स्कूल में ऐसे 3 क्लासेस, ऐसे 3 क्लासेस है। अगर मुझे, अगर वही सभी 3 ही क्लासेस 10th क्लास के क्या है, 10th क्लास के है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे प्रोजेक्ट भी देना है, अगर मैं अकेला, मैं अकेला उस स्कूल का टीचर हूँ बायो के लिए, साइंस के लिए अगर मैं टीचर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं ए वाला फंक्शन फॉलो कर दूंगा हर क्लास के लिए, या मैं क्या कर दूंगा, अगर 3 क्लास है तो 3 क्लासों को क्या कर दूंगा मैं, अलग अलग प्रोजेक्ट, यानी कि पूरे, अगर 10 बच्चे हैं इस क्लास में भी 10 बच्चे हैं, इस क्लास में क्या कर दूंगा प्रोजेक्ट में, इसको अलग, इन वालों को अलग, इन वालों को अलग। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ तो? यस यस सर। एक तो क्राइटेरिया हो सकता है कैसा, क्लासिफिकेशन का। देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सिंगल पर्सन है, ऐसे हो सकता है, या मैं ऐसे जोड़े में भी दे दूंगा प्रोजेक्ट, ऐसे ग्रुप बना के एक क्लास के अंदर की बात कर रहा हूँ। वही अगर मेरे पास, मैं अकेला ही टीचर हूँ तो उस मेरे पास 3 क्लास है, तो मैं क्या कर दूंगा, हर एक क्लास को अलग अलग कर दूंगा, अलग अलग प्रोजेक्ट दे दूंगा। अगर इसको मैंने एनिमल्स का दिया, इसको मैंने प्लांट्स का दिया, इसको मैं फ्लावर का दूंगा, ऐसा भी मैं क्राइटेरिया क्या करूंगा, यूज करूंगा अगर मुझे कोई भी वर्क करना है तो, अगर मुझे कोई भी वर्क करना है तो देखो मैं आपको उस फ्लो की तरफ लेके, उस फ्लो की तरफ लेके चल रहा हूं जो हमको पढ़ना है। तो देखो, अगर मैंने सिंगल वन पर्सन को अगर मैंने प्रोजेक्ट दिया, सिंगल वन पर्सन को अगर प्रोजेक्ट दिया, क्योंकि मेरे क्लास में कितने बच्चे, 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट करना देना पड़ेगा ना। हाँ, अलग अलग प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। तो मुझे बता, वो जो मैंने सिंगल सिंगल सभी बच्चों को, 10 बच्चों को मैंने प्रोजेक्ट दे दिया, तो क्या वो वर्क कंबाइन मिलके करेंगे या सिंगल सिंगल करेंगे? जो एक 10 बच्चे थे एक ही क्लास में, एक ही बच्चे थे, 10 बच्चे थे, उनको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक दे दिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक दे दिए उनको प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या एक दूसरे की हेल्प लेंगे या खुद का टॉपिक खुद ही करेंगे? वो खुद ही करेंगे, का टॉपिक खुद करेंगे। ऑब्वियसली कोई कोई क्यों उसकी हेल्प करेगा, अगर मैंने मेरा मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं क्यों दूसरों की हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा ही प्रोजेक्ट मुझे करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अकेले ही मुझे करना पड़ेगा, मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा या मेरा फ्रेंड कोई हेल्प नहीं करेगा मेरा, क्योंकि ऑलरेडी उसका भी प्रोजेक्ट उसको करना है, करना है, yes. करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान दो। फिर क्या किया मैंने, वही क्लास के बच्चे थे जिनको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन, यानी कि दो दो में दे दिया। तब क्या करेंगे, पर्टिकुलरली अगर ये दोनों के बीच में एक प्रोजेक्ट दिया था, ये दोनों भी एक साथ वर्क करेंगे एक ही प्रोजेक्ट के लिए, करेंगे ना? यस सर। वही प्रोजेक्ट मैंने, सेम सिचुएशन, अगर मैंने दोनों दोनों में अलग अलग अगर प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, जो दोनों के लिए एक ही प्रोजेक्ट है तो उसके लिए वर्क करेंगे। वही अगर मैंने ग्रुप में दे दिया प्रोजेक्ट, तो पूरा ग्रुप ही वर्क करेगा। यस सर, करेगा, पूरा ग्रुप ही वर्क करेगा। तो अब चलो, सिंगल सिंगल ही वर्क करेगा, यहाँ पर दोनों भी मिलकर वर्क करेंगे, यहाँ पर पूरा ग्रुप वर्क करेगा और यहाँ पर पूरा क्लास वर्क करेगा, करेगा, क्योंकि हर एक क्लास तो अलग अलग है, करेगा वर्क? यस सर। तो चलो वेट, थोड़ा सा एक मिनट में पानी पीता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखो मेरा इतना बड़ा प्रवचन ठोकने का क्या काम, हम जो किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, क्या है, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं।
तो ये जो एनिमल किंगडम है इसको डिवाइड किया गया है टू क्लासेस, या हम उसको बोल सकते हैं सब फाइलम, टू सब फाइलम में किया गया है। एक तो हमारे है जिसके बॉडी के ऊपर बैकबोन क्या है, प्रेजेंट है। बैकबोन मीन्स क्या होता है रे? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, पीठ की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीठ की हड्डी। तो हम अगर जिसके बॉडी के ऊपर पीठ की हड्डी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? कॉर्डेट, या कॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डेट बोलते हैं। और वही अगर जिसके पीठ के बलबूते पर अगर उस हड्डी नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट। तो देखो इसका सिंपल क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का। बहुत सारे फाइलम से, बहुत सारे फाइलम से हमको हमको उसको अच्छे से पढ़ना भी है, लेकिन मैं पहले किंगडम की बात कर रहा हूँ। जो ये किंगडम एनिमल लिया है इसको डिवाइड किया गया है टू किंगडम, इसमें किया गया है टू किंगडम में, जिसका फर्स्ट का नाम है, जिसके बॉडी के ऊपर क्या नहीं होगा, बैकबोन प्रेजेंट नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट। और जिसके पीठ के ऊपर क्या होगा, बैकबोन प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट। क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। तो ऐसा है, टू यहां पर टू चीजों की वजह से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसको थोड़ा अभी साइड में रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अभी साइड में रख लेते हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं जो हमने अभी क्या पढ़े हैं, प्रोजेक्ट पढ़ा या प्रोजेक्ट करने के लिए स्टार्ट किए। तो देखो अगर इसको डिवाइड किया गया है तो उसमें कुछ बेसिक भी, जैसे हमने देखे थे, जैसे हमने प्लांटी में देखे थे, तो कुछ बेसिक रखे थे ना बेसिक, उसी बेसिस के भरोसे उसको प्लांटी को डिफ्रेंशिएट किया गया था। जैसे कोई कोई जो होता है, अगर मान लो आर एच विटकर का जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम्स, इसकी उन्होंने कुछ बेसिक रखे थे जो हमने दो दो बार पढ़ा है। Yes, sir. जैसे बॉडी टाइप क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल वॉल कैसी होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसके ऊपर सेल टाइप क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ये सब, उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है या खुद का मेकिंग करता है, जो ये सब क्राइटेरिया है। तो इनको भी वैसे ही कुछ बेसिस पर क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया गया, क्लासीफाई किया, क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो देखो अब हम आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैंने आपको बोला एक क्लास है, तो एक क्लास के हर एक बच्चों को मैं एक सेपरेट सेपरेट देगा, तो क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट वर्क करेगा। वही अगर मैं क्या करूँ, उसको टू टू के इसमें दे दूँ तो दोनों भी एक प्रोजेक्ट के लिए वर्क करेंगे। वही अगर मैं ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेता हूँ तो पूरा ग्रुप क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट के लिए वर्क करेगा। या अगर तीन क्लास है तो अगर मैं हर एक क्लास को अलग अलग दे देता हूँ तो हर एक क्लास क्या करेगा, वर्क करेगा। तो देखो यहाँ का जो बेसिक फंडामेंटल या बेसिक क्राइटेरिया था जो क्लासिफिकेशन का, तो कौन सा था, वो कौन सा था, तो हमने पढ़ा है हमारी अगर बॉडी है तो बॉडी किससे मेडअप हुई है, हमारी बॉडी किससे बनी है सेल से बनी है ना हमारी बॉडी, सेल। देखो हर सेल मीन्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ फंडामेंटल यूनिट होता है एक सेल। तो अगर इस सेल को मैं क्या करूं, कंबाइन करूं, सेल मीन्स मान लो वन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है। वही अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इस सेल को कंबाइन कर दूं, तो सेल का कन्वर्शन अगर मैं सेल को अगर आपस में जोड़ लेता हूं तो क्या बनता है मेरा, टिश्यू। यस, क्या बनता है, टिश्यू बनता है। यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि टू स्टूडेंट्स को मैंने आपस में मिला दिया और एक बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। वही अगर मैंने बहुत सारे टिश्यू को और यहाँ पर ऐड किया तो क्या मिलेगा मुझको, ऑर्गन। क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। तो देखो आर्गन बनेगा, आर्गन क्या करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और जब ये आर्गन बन गया है तो आगे जाके क्या बनेगा, फिर हमारी ऑर्गन सिस्टम क्या बनेगी, ऑर्गन सिस्टम बनेगी, जो कि क्या होगा, हमारे क्लास, पूरा क्लास क्या होगा, पूरा क्लास होगा। तो देखो अब जो ये एनिमल को जब
एनिमल को जब क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, तो कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया उन्होंने अपने सामने रख लिया था, ऐसा ही क्राइटेरिया सामने रख लिया था। देखो अगर मान लो ऐसी ऐसी एनिमल की बॉडी है जिसके अंदर ओनली सेल ही वर्क कर रहे। देखो मैंने क्या बोला, बॉडी तो हम देख सकते हैं, बॉडी तो हम देख सकते हैं, लेकिन इस बॉडी का हर एक सेल, हर एक सेल, हर एक सेल, देखो यहाँ पर क्या बोला मैंने, हर एक सेल ऐसी बॉडी कि जो ओनली सेल से ही बनी है। क्या बोला मैंने, ऐसी बॉडी कि जो ओनली सेल से ही बनी है, उसमें ना टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा, ना ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, ना ऑर्गन ऑर्गन देखने को मिलेगा, ना ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। सिर्फ उस बॉडी के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, ओनली सेल एंड सेल देखने को मिलेगा। मैंने जो बोला आपको समझ में आया? यस यस प्रथम समझ में आया मैंने क्या बोला तो? सर रिपीट करो। हाँ रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम क्या देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, क्योंकि हमको पता है एनिमल्स है तो उसमें हमको बहुत सारे बेसिक थिंग्स भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एनिमल्स है तो कैसे होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर होनी चाहिए जिसको हम देख सकते हैं। एक तो उसने क्या करना चाहिए, लोकोमोशन शो करना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि हाँ एनिमल है। प्लांट भी, प्लांट के लोकोमोशन शो करते हैं लेकिन वो लिविंग थिंग है, क्या वो लोकोमोशन शो करते हैं प्लांट? नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसे ऑर्गन ही नहीं है लोकोमोशन करने के लिए, लेकिन इनके पास है, इनके पास है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ उन्होंने ऐसे कुछ क्राइटेरिया रख लिए थे अपनी इसमें। अगर ऐसी कोई प्लांट की बॉडी, सॉरी ऐसी कोई एनिमल की बॉडी है जिसके बॉडी के अंदर ओनली सेल से बनी है, जिसकी बॉडी ओनली सेल से बनी है और बाकी के ये जो सभी चीजें है उसमें अब्सेंट, क्या है, बाकी की सभी उसमें अब्सेंट है। तो देखो अगर ये सेल से बनी है तो इसका हर एक सेल, इसका हर एक सेल क्या करेगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वर्किंग करेगा। अगर इसको लगता है कि मुझे रिप्रोडक्शन करना चाहिए, ये रिप्रोडक्शन करेगा। इसको लगता है हर एक सेल, हर एक सेल की बात कर रहा हूँ, तो ओनली सेल से बनी है, ना कि उसमें टिश्यू है, ना कि उसमें ऑर्गन है, ना कि उसको उसमें ऑर्गन सिस्टम है। मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट निकल के दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया, ऐसे कुछ क्राइटेरिया जहां पर ओनली सेल की सेल ही वर्क कर रहे, ना कि अदर वो कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ वर्किंग कर रहे। जैसे हमने देखा था एक स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट को क्या किया मैंने, क्या दिया, प्रोजेक्ट दिया, तो उसने अकेले की बेस पर क्या किया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, अकेले बेस पर क्या किया, उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो इस प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया आप इस सेल पर लगा सकते, तो ये क्या करेगा, अगर ऐसी कोई प्लांट बॉडी होती है, सॉरी एनिमल बॉडी होती है, तो क्या करेगी, सिर्फ अकेले दम पर, अकेले सेल के दम पर वो क्या करेगी, अपने जो भी प्रोसेस होते हैं लिविंग सेल के अंदर, मेटाबॉलिज्म होगा, कुछ रिप्रोडक्शन होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो वो क्या करेंगे, ओनली वन सेल। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। यस राधिका, प्रथमेश, प्रणाली, हाँ ध्यान में रखो मैंने क्या बोला, क्यों हो सकती है, मल्टी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, लेकिन इसमें ना टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा, ना ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, ना ऑर्गन सॉरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, ना ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, ओनली क्या देखने को मिलेंगे, ओनली सेल देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, सेल देखने को मिलेंगे। तो वही सिर्फ सेल, वही सिर्फ सेल इंडिविजुअल, यानी कि खुद के भरोसे ही क्या करेंगे, जो भी बॉडी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी चीजें जीने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ओनली सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट ने अपना क्या कर लिया था, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। वही अगर बात की जाए टिश्यू भी इसमें, तो क्या होगा, टू सेल क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे सेल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, आपस में आ जाएंगे, तब जाके हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो अब क्या करेंगे, एक टिश्यू परफॉर्म करेंगे, कोई भी अगर वर्क है तो, कोई भी अगर वर्क है तो कौन परफॉर्म करेंगे, टिश्यू परफॉर्म करेंगे। पहले पहले इसमें क्या हमने क्या देखा कि ओनली सेल, जो भी चीजें हो रही थी ओनली सेल परफॉर्म कर रहा था। अब वैसे टिश्यू मिल जाते तो आपको एक सिस्टम मिलेगा, यानी कि जो हमारा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तब क्या करेंगे, सभी ऐसे ग्रुप में आ जाएंगे, ऐसे टिश्यू ग्रुप में आ जाएंगे, तो एक क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा।
क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अगर मान लो मेरे दो हाथ है, दो हाथ है तो दोनों भी हाथ एक जरा के वर्क करेंगे ना, करेंगे ना, एक खाएगा तो एक धोएगा, ऐसा ही होता है ना सिचुएशन, होता है कि नहीं, हैंड का होता है कि नहीं रे? यस सर, एक खाएगा तो दूसरा धोएगा ना, द सेम सिचुएशन। अब क्या बन गई, ऑर्गन सिस्टम बन गई, क्या बन गई, ऑर्गन सिस्टम बन गई। वही ऑर्गन सिस्टम अब क्या हो जाएंगे, और ग्रुप में आ जाएंगे, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन बन गए, फिर यही ऑर्गन एक साथ आ जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो अगर जैसे अगर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो पूरी हमारी बॉडी, पूरी हमारी बॉडी आप देख सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम ही तो है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम ही तो है। जो पहले ऑर्गन बन गए थे, ऑर्गन ने क्या कर दिया, अब सिस्टम में फॉर्मेशन करना या सिस्टम में वर्क करना चालू कर दिया सभी ऑर्गन ने, सभी ऑर्गन ने, तो जिससे हमारी क्या इवॉल्व हुई, ऑर्गन सिस्टम इवॉल्व। समझे इतना, समझे क्या? यस सर, समझे क्या रे? यस सर। तो देखो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, हमको इस एनिमल किंगडम में ऐसे कौन से प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स देखने हैं, तो ऐसे कोई एनिमल्स है जो ओनली सेल से रिलेटेड है, यानी कि सेल ही क्या करेंगे उनके बॉडी के अंदर, ओनली सेल ही क्या करेंगे, जो भी फंक्शन करना है वही सेल करेंगे। कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसके अंदर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होगा तो बाकी के सिस्टम अब्सेंट होंगे, ओनली वो टिश्यू सिस्टम ही जो फंक्शन करेगा वो फंक्शन करेगा। कोई कोई ऐसे और या एनिमल्स होंगे जिसके अंदर क्या होंगे, ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे तो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा वहां पर, तो तीनों मिलाकर क्या करेंगे, वो वर्क करेंगे। और कोई कोई अगर फाइनली अगर हम इतने वेल डेवलप है तो फाइनली ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, तो सभी ऑर्गन सिस्टम क्या करेंगे, उसमें काम करेंगे या वर्क करेंगे। तो ऐसे हमको क्या देखना है, इसका क्लासिफिकेशन देखना है। तो चलो हम इस क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, कौन सा क्राइटेरिया रखा है उन्होंने क्लासिफिकेशन के। तो चले फिर क्लासिफिकेशन के लिए चले क्या? यस सर, यस। चलो यहां पर मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट है आपका क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया यूजिंग एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन में उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं, सॉरी हाँ देखो कौन सा फर्स्ट है, फर्स्ट क्राइटेरिया जो उन्होंने अपने इसमें यूज किया उसका नाम है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम एनिमल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे जो एनिमल्स होंगे कौन से होंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, कौन से एनिमल्स होंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे। तो इनका जो ऑर्गेनाइज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब